एक तरफ जहां केंद्र एवं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सर्वशिक्षा अभियान व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने में लगी हुई है, वहीं संबंधित अधिकारियों की अनदेखी एवं जनप्रतिनिधियों की मनमानी के चलते इस योजना को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया ब्लॉक मार्ट क्षेत्र के गांव राजागढ़ी में, जहां प्रधानाचार्य और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते गांव में शिक्षा विभाग की कचुम्बर निकाल रखी है। यहां बने प्राथमिक विद्यालय प्रथम राजागढ़ी में दो दिन से विद्यालय का ताला नहीं खुल पाया, जिससे छात्र छात्राएं लौटकर घर जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिड डे मील का भी खाना वापस होकर जा रहा है। इस बात की जानकारी मंगलवार को मथुरा टुडे 24 न्यूज टीम को मालूम हुई तो हमारी टीम मौके पर पहुंची। सर आपका नाम क्या है? सर ये बताइए आप कौन से कार्य पद पर कार्यरत हो? ये बताइए सर, जो आज प्राथमिक विद्यालय राजागढ़ी प्रथम जो बंद है, ये कौन सी स्थिति में बंद है? मालूम हुआ था जी, राजागढ़ी विद्यालय बंद है जी, तो मैं उनकी सूचना के आधार पर आया जी। विद्यालय बंद हो जब जी, तो उसने ये कहा कि मैं आज मेरी घरवाली का सुना और ये सिंगल टीचर यहाँ पर जी। हमें गांव वालों से जानकारी हुई है कि ये तीन दिन से बंद है, क्या कारण है जो तीन दिन से बंद है? तो बंद है ये मेरी जानकारी नहीं, मुझे तो अभी एबीएसए द्वारा सूचना दी गई, उसके बाद में यहाँ आया जी। मिली भगत एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते बरती गई अनियमितताओं की जानकारी टीम एवं ग्रामीणों द्वारा एबीएसए को दी गई, जिसकी जांच करने मंगलवार को एनपीआरसी रामवीर सिंह पहुंचे। इस संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह निरीक्षण कर चुके हैं और प्रधानाचार्य के खिलाफ कागजी कार्यवाही करेंगे। खैर जो भी हो, लेकिन ग्रामीणों की बात पर अगर गौर फरमाएं और गाँव के वास्तविक हालात पर एक नजर डालें तो ये निश्चित रूप से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के मंसूबों को पलीता लगाना प्रतीत होता है।